हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मॉम। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म समोसे। समोसे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और घर में हम बनाएंगे। इस समय का जो समय है, हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही बनाकर कोई भी चीज़ खिलाएं तो उसके लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। इसको बनाने के लिए हमने लिया 2 कप मैदा। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितने लोगों को बनाना हो। और लेंगे 1 चम्मच हम बेकिंग सोडा, और लेंगे 1 चम्मच हम इसमें अजवाइन। अजवाइन से क्या होगा कि पचने में भी अच्छा रहता है और फ्लेवरफुल भी लगता है, इसलिए अजवाइन इसमें ज़रूर डालें। और डालेंगे 1 चम्मच के करीब में, डालेंगे हम 1/4 इसमें रिफाइंड ऑयल। आप घी भी घी में भी बना सकते हैं तो उसको डालेंगे। और फिर डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों को। इससे हमारा समोसा बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगा, खस्ता समोसा बनेगा। तो इसे अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। फटाफट से बन जाएगा। बच्चों को जब भी मन करे आप सामने बना के इन्हें स्नैक्स में दे सकते हैं। तो देखिए, हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है सारा कुछ। तो अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूंद लेंगे। पानी हम रूम टेम्परेचर पर लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक सॉफ्ट हमें बनाना है डो इसका, तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो आटा हमारा लग चुका है। इसको हम थोड़ा सा इसमें तेल लगाएंगे और इसको हम एक कपड़े से ढक देंगे और तब तक हम इसका फिलिंग इसका तैयार कर लेंगे। चलिए फिलिंग बनाते हैं। तो हम कढ़ाई में लेंगे 2 चम्मच के करीब में तेल लेंगे। सरसों के तेल में हम बना रहे हैं, आप चाहे तो इसमें आप रिफाइंड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मूंगफली के दाने। आप इसके जगह पे हरे मटर का भी यूज कर सकते हैं, अभी सीजन है हरे मटर का, तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं इसके जगह पे। आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप डाल सकते हैं। इसे हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट। अच्छे से मूंगफली को भूनना है, मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम भूनेंगे, जलाना नहीं है इसे। तो मूंगफली हमारा लगभग भून चुका है, इसे लगातार चलाते रहना है ताकि मूंगफली के दाने जले नहीं, जलने से इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो हमारा भुन चुका है। एक से दो मिनट हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। अब इसी तेल में हम 2 से 3 चम्मच करीब में और तेल डालेंगे, इस थोड़ा से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये घर का है, आप चाहे तो मार्केट का भी डाल सकते हैं, लेकिन घर का डालें तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है समोसे में। तो इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। 1 से 2 मिनट भून लेंगे, कच्चापन इसका निकल जाए। इस तरह से लहसुन और अदरक भून के डालने पे समोसे में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल आपको अलग फ्लेवर लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसमें हमारा भून चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर तीखा ज़्यादा करना है या कम करना है तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, नहीं तो ये जलने लगेगा मसाला हमारा। तो फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और चलाते रहेंगे। अब इसमें हमने 500 ग्राम में करीब उबला हुआ आलू ले लिया है, इसे हम हाथों से ही मैश करके डाल देंगे।
क्योंकि समोसे में थोड़ा टुकड़ा आलू का रहता है तो अच्छा लगता है। पूरा मैश नहीं करेंगे हम, तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम हाथ से ही तोड़ लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्पैचुला से ही दबाते हुए आलू को तोड़ते हुए हम अच्छे से मैश करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे हम अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर अगर नहीं हो तो आप इसके जगह पे चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं। और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे आलू के साथ। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इन सभी मसालों को अच्छे से धीरे धीरे करके हम चलाते रहेंगे और आलू को स्पैचुला से ही हम मैश करते रहेंगे। और ऐसे 1 से 2 मिनट तक सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे आलू के साथ। आलू के छोटे छोटे टुकड़े समोसे में अच्छे लगते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उससे हमारे समोसे का टेस्ट अच्छा आएगा। इस तरह से 1 से 2 मिनट हम इसे भून लेंगे। इसी के साथ इस तरह से आप बनाएं, बहुत ही टेस्टी समोसा बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली जो भुना हुआ था वो डाल देंगे और फ्रेश धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे हम। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है, सारा चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे मिक्सचर को। तो मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, तो हम थोड़ा सा आटे को देख लेते हैं। इसे हम अच्छे से थोड़ा मसल लेंगे। अच्छे से थोड़ा मिक्स कर देंगे। अब इसे हम बनाएंगे। आपको छोटा बड़ा जैसा समोसा बनाना हो उस हिसाब से आप इसका बॉल ले लें और थोड़ा सा डस्टिंग करके मैदे से इसे बनाएं। इस तरह से बहुत ही खस्ता समोसा बनेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा फट रहा है, ये इसलिए कि हमने मोयन अच्छे से डाला है, तो थोड़ा बहुत ये सेट हो जाएगा बाद में। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप इसको बेल लें। और इस तरह से बीच से काट कर हम इसके किनारों पे पानी लगाएंगे और इसे कोन का हम शेप दे देंगे इजी वे में। इस तरह से बहुत आसानी से बन जाता है, इस तरह से दे देंगे और हाथों से अच्छे से हम थोड़ा सा प्रेस करके चिपका देंगे। और फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं कम ज़्यादा। और इसके चारों तरफ से हम पानी लगा देंगे, इसे अच्छे से दबा देंगे। इस तरह से सारे समोसे को हम बना लेंगे। देखिए दूसरा भी दिखा रहे हैं, इस तरह से ऐसे करके कोन बना लें, इसे चिपका लें हाथों से, अच्छे से प्रेस कर दें, नहीं तो ये तलते समय खुल जाता है। तो पानी लगा के इसे अच्छे से हमें चिपकाना है। इस तरह से ऊपर में भी पानी लगा के हमें अच्छे से हाथों से प्रेस करके इन्हें चिपका देना है आपस में। तो इस तरह से हम सारे समोसे बना लेंगे। तो देखिए सारे समोसे हमारे
बन चुके हैं और हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए इसे हम तल लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब समोसे को हम एक एक करके इसमें हम डाल देंगे। जितना इजी वे में हम इसे पलट सके उतना ही डालें, पूरा भरना नहीं है। 5 से 6 इसमें हम डालेंगे। 2-3 बैचेस में इसे हम तलेंगे। इसे थोड़ी थोड़ी देर में हम चलाएंगे, अभी नहीं चलाएंगे, 1-2 मिनट के बाद ही इसे हम अलट पलट करेंगे। इस तरह से हम इसे पलट लेंगे। धीरे धीरे करके हम इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, हाई पर नहीं इसे पकाएंगे, तो समोसे हमारे जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो समोसा देखिए, समोसा हमारा लगभग हो चुका है। इस तरह से हम समोसे को निकाल लेंगे। बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बना है। देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है इसका। इस तरह से सारे समोसे को हम तल लेंगे। दूसरा बैच भी डाल देंगे इसमें हम। देखिए खुल गया था, इसलिए इसे चिपकाना जरूरी है। पानी लगाते समय ध्यान रखें अच्छे से चिपकाए, ये तो समोसे तलते समय खुल जाते हैं, तो इसलिए इसे अच्छे से पानी लगा के हमें चिपकाना है। इसे थोड़ा सा हाथों से अच्छे से प्रेस करने से ये ना निकलेंगे नहीं। अच्छे से इसे हम तल लेंगे। इसे भी दोनों साइड से अच्छे से हम पलट पलट के अच्छे से हम पका लेंगे समोसे को। इसे चारों तरफ से अच्छे से ये हमारा गोल्डन हो जाता है, तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता समोसे ही बन के तैयार होंगे। इस तरह से आप ज़रूर बनाएं और तलते समय ध्यान रखें इसके छींटे ना पड़ने पाए। आराम से धीरे धीरे करके एक एक डालें इसमें। तो देखिए ये भी हमारा बैच रेडी हो गया। इस तरह से हम इसे भी निकाल लेंगे बाहर। समोसा मेरा हो चुका है। इसे बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए सारे समोसे हमने तल लिया, इसे सर्व करते हैं। इस तरह से आप हरी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ, जो भी चटनी आपको पसंद है उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए समोसे हमारे तैयार हैं, इसे गर्मा गर्म खाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।